You're watching Ahmednagar City Channel. नमस्कार, मी रानिका असलीवाल. एटीव्ही न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. आमची प्रत्येक बातमी असेल खास, त्यासाठी पाहत रहा एटीव्ही न्यूज 24 तास. मुंबईतील मालाड परिसरात नव्याने बांधण्यात आलेल्या क्रीडांगणाचे म्हैसूरचा राजा टिपू सुलतान यांचे नाव देण्यात आले. स्थानिक आमदार आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री असलम शेख यांनी त्यांच्या निधीतून खेळाडूंसाठी हे मैदान बांधले असून आता त्यांच्याच हस्ते या मैदानाचे उद्घाटन होणार आहे. मात्र भाजपाने या मैदानाच्या नावाला विरोध दर्शवला आहे. टिपू सुलतान यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्या महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी समाजवादी पार्टीच्या वतीने करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हाध्यक्ष अजिम राजे यांच्या नेतृत्वाखाली जाहीर निषेध नोंदविण्यात आला. यावेळी समाजवादी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अजिम राजे समवेत फिरोज पठाण, जहीर सय्यद, शहबाज शेख, राजेंद्र गायकवाड, मुबीन सय्यद, शफी खान, जावेद सय्यद, हुसेन शेख, स्वप्नाली चांदेकर, अनुराधा चांदेकर, साहिली चांदेकर, मदीना पठाण, रेशमा शेख, संगीता कोराळे, मुमताज शेख, राजेंद्र शेंडे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते. या संदर्भात शहबाज बॉक्सर यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. आज जिल्हाधिकारी कार्यालय पे समाजवादी पार्टी का एक शिष्टमंडल यहाँ पर लाया गया. इसका उद्देश्य ये था कि मुंबई के अंदर फडणवीस एक जिम्मेदार नेता होने के बावजूद भी इस तरह से जो ना एकदम गलत बात किया है, ना जिम्मेदारी वाली जो हरकत की है, इसका निषेध करने के लिए हम यहाँ पर आए. फडणवीस का बोलना इस तरह से था कि जैसे टीपू सुल्तान जो हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में जंग लड़के वो शहीद हुए, उनके शहीदी और उनके जो मामला थे, जिन लोगों ने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है उन्हीं को ये समझ में आएगा कि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत थी. लेकिन आज फडणवीस ने उनके खिलाफ एक गलत वक्तव्य करके सभी हिंदुस्तानियों का दिल दुखाया है. इसका हम समाजवादी पार्टी की तरफ से निषेध करते हैं और हम प्रशासन से ये मांगनी करते हैं कि फडणवीस के ऊपर एक देशद्रोही का गुनाह जो है उन पर दाखिल करना चाहिए और उनकी ये हरकत पे काना का रोक लगाना चाहिए, क्योंकि टिपू सुल्तान के साथ में हिंदुस्तान के सभी भारतीयों का एक दिल जुड़ा हुआ है. उनको एक आइडल माना जाता है और वो आज़ादी के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर है. तो फडणवीस ने ये चीज़ की पूरी चौकसी करके पूरी हिस्ट्री पढ़ के ही किसके आगे कुछ बोलना, या मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने उसके बोलने के ऊपर भी पाबंदी लगानी चाहिए और उस पर गुनाह दाखिल करना चाहिए. यही मैं अहमदनगर समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष शहबाज शेख ये अपील करता हूँ सभी से कि कोई भी अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो सरकार ने उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. यही हम यहाँ पर SP कलेक्टर साहब के पास बोलने के लिए आए थे और समाजवादी पार्टी के हमारे सभी जिम्मेदार, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष अजीम राजे, हमारे फिरोज भाई बावा, हमारे जहीर भाई और हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता, बहुत से कार्यकर्ता आक्रोश में थे, लेकिन उन्हें समझाया गया कि अभी कोरोना काल चालू है, हमें धैर्य से काम करना है और भारत के संविधान को बिल्कुल समझते हुए शांतता से पूरा काम करना है. और हमने यहाँ पर शांततापूर्वक सबके सहकारी से जो है यहाँ पर कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है और हमें यह आश्वासन भी मिला है कि बिल्कुल फडणवीस पे जो उन्होंने गलत वक्तव्य किया है उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी. पार्टीच्या वतीने हजरत टिपू सुलतान यांच्या विरुद्ध बोलण्यात आलेल्या अपशब्दाबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांचा निषेध करण्यात येत आहे. महिला आघाडीकडून जाहीर निषेध. प्रतिनिधी आयनुल शेख, ATV न्यूज, अहमदनगर.